जैसा कि आपको पता है त्रिवेणीगंज में मैच का आगाज हो गया है और हमारे साथ में आज है सौरभ सुमन सर, जो त्रिवेणीगंज के लाल हम कह सकते हैं, बिहार के लाल हैं, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं सर। आप भी यहां पे क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं, तो कैसा लगता है सर जब अपने स्थान पे इतना बड़ा मैच होता है? तो मुझे तो पहले पता, जैसे ही चला कि यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है तो शायद मैं समय से पहले यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, इतना एक्साइटमेंट था और काफी अच्छा लग रहा है। त्रिवेणीगंज के युवाओं को क्रिकेट खेलते देखने का मौका मिलेगा और एक जब कंपटीशन होता है तो एक अलग रोमांच होता है। जो रोज क्रिकेट खेलते हैं वो तो होता ही रोमांच, लेकिन जब एक विरोधी टीम के साथ काम खेलना होता है, डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ आज होने वाला टीम है और अलग दर्शक में भी रोमांच रहेगा और लाइव देखने का बात ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सभी आइए और इस लाइव मैच का एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। अच्छा, एक चीज और सर आपसे जानना चाहेंगे, इंडोर आउटडोर गेम के बारे में थोड़ा बताएं सर। आज के डेट में बच्चे गार्जियन भी ज्यादा इंडोर गेम में कि हाँ घर में ही खेल लो, बाहर क्या जाना, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इस अगर यहाँ आते हैं बच्चे तो उस और गार्जियन भी आते हैं तो शायद जागरूक होगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि आजकल के बच्चे इंडोर गेम में ज्यादा व्यस्त है, वो भी इंडोर गेम में भी सिर्फ मोबाइल में ही व्यस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद मैं भी, मेरी भी बेटी इससे ग्रसित है। तो लोग ऐसे खेल को देखने के भी लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग घर में ही पसंद कर रहे हैं, या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, सब मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। तो शायद अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लाके दिखाएंगे तो आउटडोर गेम का इम्पोर्टेंस समझेंगे, लोगों का उत्साह कैसे खेलते हुए देखते हैं, लोग कितने तालियां बजाते हैं, वो सब देखने को बच्चों को मिलेगा, तो शायद आउटडोर गेम की तरह आकर्षित होंगे वो लोग। और एक्सरसाइज के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए भी ये सब बहुत जरूरी है। आज के दर्शक के लिए बता दे सर थोड़ा सा अनुरोध कर दें कि आज ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर आइए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं समय से पहले पहुंच चुका हूं, वेट कर रहा हूं खिलाड़ियों का और क्रिकेट मैच स्टार्ट होने का। तो आप लोग भी समय से, 2 बजे से शायद स्टार्ट होने वाला है मैच, तो आप पहले से ही यहां कर अपना सीट पकड़ ले। बिल्कुल, आप पहले यहां आ जाएं अनुपलाल कॉलेज पे और मैच का आनंद ले, बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। धन्यवाद।